इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है। अपनी कार बीएमडब्ल्यू में सवार होकर दिल्ली से आ रहे थे रुड़की, वहीं दिल्ली से रुड़की आते समय सड़क किनारे डिवाइडर से कार टकराने के बाद कार में गंभीर रूप से आग लग गई, जिसके बाद भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत गंभीर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कार किस तरह से जली हुई है। ऋषभ पंत को आप तस्वीरों में देख सकते हैं जब उन्हें उत्तराखंड के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली रेफर किया गया, जिसके बाद वो उन्हें दिल्ली लेकर जाया जा रहा है। खबर ये भी आई है कि ऋषभ पंत का प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। वहीं एक बड़ी खबर ये भी है कि इस हादसे में ऋषभ पंत जो है वो खतरे से इस वक्त बाहर बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से घायल है, डिवाइडर से उनकी कार टकराई है, जिसके बाद ऋषभ पंत के हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। उत्तराखंड के देहरादून के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली रेफर किया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा है। प्लास्टिक सर्जरी की खबर है, ऋषभ पंत के पैर और सिर में चोटें आई हैं, डिवाइडर से टकरा कर कार देखिए राख हो गई है, और क्रिकेटर को दिल्ली रेफर कर दिया गया है, उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। उत्तराखंड के रुड़की में यह कार एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद देहरादून के अस्पताल में इलाज चल रहा था। ऋषभ पंत की प्लास्टिक सर्जरी करवाए जाने की खबर है।